नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर निधि है। मैं IVF कंसल्टेंट हूँ नोवा IVF पटना में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, दैट इज़ गुड एंट्रल फॉलिकल काउंट। ये स्पेशली उन मरीजों ने सुना होगा जिन्हें एक फर्टिलिटी कंसल्टेशन के दौरान IVF के बारे में बताया गया होगा। गुड फॉलिकल क्या होता है? एंट्रल फॉलिकल्स वो छोटे छोटे पानी भरे हुए गोले होते हैं जो आपके अंडाशय में दिखते हैं और जिनसे हमें एक मैच्योर अंडा मिलने की उम्मीद रहती है। आप अगर एक IVF सेंटर में जाते हैं तो एज अ कपल आपके सक्सेसफुल होने की क्षमता कितनी है, परसेंटेज कितनी है, ये कुछ बेसिक टेस्ट्स के द्वारा मापा जाता है, जिसमें एक है एंट्रल फॉलिकल काउंट। आपकी एंट्रल फॉलिकल काउंट कितनी है ये एक महिला में अल्ट्रासोनोग्राफी के द्वारा देखी जाती है। हम आपके दोनों अंडाशय को मिला करके जितने भी छोटे छोटे पानी भरे हुए गोले दिखते हैं उन्हें गिनते हैं। उनके एक साइज़ होती है, एक वो तो या तो 2.5 मिलीमीटर के आसपास या 4 मिलीमीटर के आसपास उनकी साइज़ होती है। इनको गिनने से फ़ायदा क्या है? जिस समय आप IVF का इंजेक्शन शुरू करते हैं उस समय इन फॉलिकल काउंट से हमें पता चल सकता है कि एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ मैच्योर एग्स, आगे चल के जब हम आपके अंडों को बाहर निकालेंगे तो हम कितने मैच्योर एग्स आपका हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब बात आई कि एक गुड एंट्रल फॉलिकल काउंट कितनी होनी चाहिए। एक गुड एंट्रल फॉलिकल काउंट एक डॉक्टर एम करता है कि एटलीस्ट 10 से 15 हो। ये एज अनुसार होती है। जैसे अगर हमारे पास कोई 25 इयर्स की फीमेल आएंगी तो उनका गुड फॉलिकल काउंट लगभग 15 होगा। एक 35 की लेडी आएंगी तो उनका गुड फॉलिकल काउंट लगभग 10 होगा। और यदि हमारे पास 40 के ऊपर की महिलाएं रहती हैं तब उनके एज के अनुसार एक गुड फॉलिकल काउंट है लगभग 5 से 7। अगर आपके उम्र के हिसाब से एक डॉक्टर के अनुसार आपके अंडे कम हैं, ये इसका मतलब नहीं है कि आपकी सक्सेस प्रेगनेंसी होने की कुछ कम हो जाएगी। ये फॉलिकल काउंट बस एक अंदेशा लगाता है कि आगे चल के आपसे हमें कितने मैच्योर एग्स मिल सकते हैं फर्टिलाइजेशन के लिए। गुड फॉलिकल नंबर 6 से 15, एवरेज एक डॉक्टर उम्मीद करता है 10 से 15 अंडे प्राप्त करने के। धन्यवाद।